उसे कनेक्टेड किस में कनेक्ट किया गया है सीरीज में कनेक्ट किया गया है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आर ही है ठीक है तो यहाँ पे मेरे पास एक दो इस तरह से एन एक कनेक्ट है जैसे N जो रजिस्टर्स है है ना सेम तो रजिस्टर तो ये हो जाएगा जैसे आर 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 तो इसके साथ में क्या जोड़ा गया है इसके साथ में आपसे बोला गया है कि एक ई एम एफ जो है ई e, है ना और एक आर रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस इसको यहाँ पे कनेक्ट किया गया है ठीक है तो इसके साथ में यहाँ पे जो ई है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इस एन रजिस्टेंस इसके अंदर करंट फ्लो होगी करंट फ्लो होगी क्लियर दिस इज कैपिटल इज द करंट फ्लो इन दिस सर्किट तो एन रेजिस्टेंस है तो यदि इसका इक्विलेंट रजिस्टेंस निकालू तो आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा जैसे आर इक्वलेंट इजिकल टू आर वन प्लस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस इस तरीके से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास एन आर क्लियर एन आर एन तो ये आर इक्वलेंट विद कितना हो जाएगा हमारे पास आर सेम रजिस्टर है तो आर आर प्लस आर प्लस आर प्लस ये कितना हो जाएगा जैसे एन आर क्लियर तो आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या जाएगी जैसे एन आर तो यहाँ पे इक्वलेंट रजिस्टेंस की वैल्यू आ गई मेरे पास एन आर अब इसके अंदर करंट की वैल्यू निकालू तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी करंट हो जाएगा आई ए जी गो जाएगा जैसे ई e अपॉन अच्छा और एक इन दोनों से एक ये एक इंटरनल रजिस्टेंस और कनेक्ट किया हुआ है ना ई अपॉन आई जी टू जाएगा ई अपॉन आर इक्ट प्लस आर है ना आर इक्ट प्लस आर जिसे मैं क्या लिख सकता हूं या फिर ई अपॉन आर को कॉमन लिया दिस इज एन प्लस वन ठीक है दिस इज इक्वेशन नंबर वन तो इतनी गर्ण मेरे पास जो है यहाँ पे फ्लोर ये जब कहाँ पे जब मैंने इसे रेजिस्टेंस को किसमें कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है तो इसी तरीके से अब बोला है आपसे कि यहाँ पे इन एन रजिस्टर्स को कनेक्टेड इन पैरल टू तो द सेम बैटरी सेम बैटरी के साथ पैरल में कनेक्ट कर दो तो ये हो जाएगा एक रजिस्टर सेकेंड रजिस्टर तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे एन रजिस्टर जो है आपने कनेक्ट कर दिए आर आर ठीक है तो यहाँ से वही सेम बैटरी के साथ में और इंटरनल रजिस्टेंस भी कितना इसका इस आर क्लियर और ये है तो इसमें भी करंट फ्लो होगी तो इक्वेलेंट रजिस्टेंस इज एन बाय आर तक है ना तो रजिस्टेंस कितना दिस इज आर बाय आर बाय एन क्लियर अब यहाँ पे मुझे करंट निकालनी है इसके अंदर कि करंट कितनी फ्लो होगी तो करंट इसकी फ्लो होगी कितनी यदि मैं इसको आई वन मान लेता हूँ तो इसकी करंट कितनी हो जाएगी? इसमें, इसमें, इसमें I2 करंट फ्लो रही है, ये I1, इसमें I2 करंट फ्लो है I2 तो कितना हो आर को कॉमन लिया तो अपॉन आर वन प्लस वन बाय ठीक है इक्वेशन नंबर टू आपसे बोला क्या है क्वेश्चन में कि द करंट इज इंक्रीज टेन टाइम्स अब करंट टाइम्स इंक्रीज हो रही है ठीक है ठीके? तो टेन टाइम्स इंक्रीज होगी तो ये जो यहां से क्वेश्चन दे रखी है हमारे इंक्रीज होगी तो दिस इजॉन आर इन टू एन प्लस वन दिस इज ई अपॉन दिस इज आर इन टू एन प्लस वन और ये एन ऊपर चला जाएगा क्लियर तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है ठीक है तो R आर इंटू एन प्लस वन से आर इंटू एन प्लस वन कैंसिल आउट हो गया ई e से ई कैंसिल आउट हो गया तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास दिस इज वैल्यू ऑफ टेन एन इज टू टेन दिस इज आवर फाइनल आंसर सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों